दोस्तों आपको जरूर ड्रैगन बॉल के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन के बारे में पता होगा, पर क्या आपको स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के बारे में पता है? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बॉल डीमन्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों आपको ड्रैगन बॉल विलन्स या तो ड्रैगन बॉल हीरोज ये सब के बारे में पता ही होगा, पर क्या आपको ये पता है कि विलन्स और हीरोज के अलावा ड्रैगन बॉल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन कौन हो सकता है? यहाँ पर दोस्तों सीरीज के स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमें बहुत सारे डीमन कैरेक्टर देखने को मिले हैं। अगर आप ये सभी के बारे में कभी नहीं सोचे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। इसमें सभी कैनन और नॉन कैनन के कैरेक्टर्स को हम ऐड किए हैं, जैसे कि दोस्तों ड्रैगन बॉल, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, बाबीडी। दोस्तों ये एक ऐसा डीमन है जो कि किसी को भड़काने से पीछे नहीं हटता है। इसका खासियत ये है कि इसके पास बहुत सारी साइकिक एबिलिटी है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भी इसके घुटने तक ला सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों बाबीडी टेलीपैथी से पीपल के माइंड को पढ़ने और चेंज करने के लिए यूज नहीं करता है, बल्कि दोस्तों ये पीपल्स को एक्सप्लोर करने के लिए टेलीपैथी का यूज करता है। ओवरऑल देखा जाए तो बाबीडी बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को ट्रिक कर चुका है और उनका एनर्जी को लेके माजिन बू को डोनेट कर चुका है। और दोस्तों ये साइकिक एबिलिटी के मामले में किसी से कम नहीं है। अब इस नंबर 9 पे आता है डाबुरा। दोस्तों अगर हम डाबुरा का देखें तो ये डीमन रियलम का किंग है, और अगर दोस्तों इसका अच्छा जिम राउटन होता तो ये पक्का शैतान के जैसा दिखता। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो डाबुरा सभी को बहुत ही क्रूर तरीके से मारता है। यहाँ तक कि गोकू भी ये खुद जान चुका है कि डाबुरा परफेक्ट सेल से स्ट्रॉन्गर है। ये इतना स्ट्रॉन्गर है कि इसका सलाइवा ही लोगों को पत्थर में चेंज कर सकता है। तहीं नहीं दोस्तों इसके पास एक बहुत ही खतरनाक डार्कनेस स्वॉर्ड भी होता है, जो कि दोस्तों बैटल में बहुत ही मददगार साबित होता है। और दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में ये किसी से कम नहीं है। अब इस नंबर 8 पे आता है जानिम्बा। दोस्तों जानिम्बा ड्रैगन बॉल के 12वीं मूवी फ्यूजन रिवन से है, और सही में दोस्तों ये सबके लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी था। यहाँ पर दोस्तों जानिम्बा को डीमन ऑफ प्योर ईविल के हिसाब से जाना जाता है, और साथ में कुछ कायस का ये भी मानना है कि दोस्तों ये खुद में ही एक ईविल का अवतार है। इतना ही नहीं, जानिम्बा के पास इतना एबिलिटी है कि वो रियलिटी को चेंज कर सकता है जैसे उसको ठीक लगे। जानिम्बा का पहला फॉर्म एक राउंड टाइप का डीमन के तरह था, फिर भी दोस्तों गोकू इस डीमन से सर्वाइव करने के लिए सुपर सैन 3 में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ता है, और अगर जानिम्बा अपने सुपर जानिम्बा फॉर्म में आ जाता है तब दोस्तों इसे सर्वाइव करने के लिए गोकू और वेजिटा को फ्यूज होके गोजिटा बनना पड़ता है। और दोस्तों इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्गर है। अब इस वक्त 7 पे आता है मर्चामासू। जी हाँ दोस्तों, मर्चामासू को डीमन गॉड के हिसाब से भी जाना जाता है। ये फॉर्म तब आया था जब गोकू को हराने के लिए जामासू और गोकू ब्लैक फाइनल इफर्ट लगाए थे। इमोर्टल और मॉर्टल के बीच एक फ्यूजन की वजह से मर्चामासू फॉर्म आया था, और दोस्तों ये फ्यूजन की वजह से ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल हो गया था। यहाँ पर दोस्तों मर्चामासू बहुत सारे सक्सेस हासिल कर चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों मर्चामासू वेजिटो ब्लू का सामना कर चुका है, इसे दोस्तों आप सोच सकते हैं ये कितना पावरफुल है। अब इस वक्त 6 पे आता है मोरू। दोस्तों मोरू का रेफरेंस ड्रैगन बॉल सुपर मैंगा में हुआ था। दोस्तों ये ऑक्यूपेशन यानी पैसे से एक विजर्ड है, लेकिन ये भी एक डीमन है। अगर हम मोरू का देखें तो इसके पास हाई लेवल का बैटल पावर होता है, और साथ में दोस्तों हाई लेवल वाला मैजिक पावर भी होता है। ये मैजिक पावर के जरिए मोरू ग्रैंड सुप्रीम काय और साउथ सुप्रीम काय दोनों को एक साथ एक टाइम में हरा सकता है। एक्चुअल में दोस्तों इसका एनर्जी ड्रेन करने वाला एबिलिटी इसको और भी डेंजरियस बनाता है, और साथ में दोस्तों ये एबिलिटी को डिफेंस करना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। बिना दोस्तों डिफेंसिव पावर के इससे जीतना मुश्किल साबित हो सकता है, इसकी वजह से दोस्तों इसको हराना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। अब इसको 5 पे आता है तोवा। दोस्तों एनिमे में इसका सबसे पहला एफरेंस सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में हुआ था, और दोस्तों दाबुरा इसका भाई है। यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो इसके पावर को मिसल करना थोड़ा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि ये अपने लिए दूसरों से फाइट करवाती है, जैसे कि दोस्तों मीरा, दूसरे टाइम ब्रेकर्स और उसके अंडर में जो फाइटर्स होते हैं। तो वह अपने फाइटर्स को अपने मैजिक और एबिलिटी के जरिए सब सिखाती है। ये कैरेक्टर एक साइंटिस्ट होने के नाते ये एक स्ट्रेटेजिक फाइटर है, और अपने एनिमीज के सामने बहुत ही चालाकी वाले प्लान लेके आती है। लास्ट डार्क तोवा फॉर्म में तोवा का मैजिक इतना स्ट्रॉन्गर हो जाता है कि वो सुपर 17 के साथ एंड्रॉइड 18 को मर्ज करने के लिए फोर्स कर सकती है, और साथ में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो सुपर सैन फूड ब्रोली का ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर सकती है। अब इस 4 पे आता है टेमिक्रा।
दोस्तों इसको हमने देखा था सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के डार्क डिमन रियलम सागा में। और दोस्तों ये ड्रैगन बॉल सेनफर्स गेम का मेन विलन भी था। डेमिग्रा को डिमन गॉड डेमिग्रा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों डार्क किंग मैजिकापुरा सागा के टाइम में डेमिग्रा बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मैजिक पावर को अपने अंदर ला लिया था और दोस्तों यही पावर डेमिग्रा को बहुत ही स्ट्रॉन्गर बना दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों डेमिग्रा तोवा और डेपुरा से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसको दोस्तों हम एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन बोल सकते हैं। और हम इसके बारे में इतना ही बोलना चाहेंगे कि दोस्तों ये एक स्किल्ड वाला डार्क मैजिक यूजर होता है, जो कि दोस्तों अपने डार्क मैजिक के जरिए हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल हीरोज और विलन्स को कंट्रोल कर सकता है। अब इस थ्री पे आता है मैजिकापुरा। दोस्तों एनिमे में इसका सबसे पहला रेफरेंस हमने देखा था सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में। मैजिकापुरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम ड्रैगन बॉल सीरीज में एक मल्टीवर्स मटेरियल कह सकते हैं। दोस्तों पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में मैजिकापुरा भी सभी स्ट्रॉन्गेस्ट बींग में से एक है। ये डीमन रेस का एक मेंबर है जो कि दोस्तों डीमन वैलम में रहता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम एग्जामिन करें तो डीमन रेस के सभी मेंबर में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकापुरा ही है। यहाँ पर दोस्तों ये इतना पावरफुल है कि एक बार डार्क शैनन को फिर से यंग बनाने के लिए एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में ले गया था। इतना ही नहीं, मैजिकापुरा एक सिंगल एनर्जी ब्लास्ट के जरिए कोरोना को ओवरपावर किया था, जिसकी वजह से दोस्तों कोरोना मैजिकापुरा को भगाने के लिए उसको अपना सभी पावर ऑफ टाइम यूज करना पड़ा था। और दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि कैरेक्टर कितना पावरफुल है। अब इस टू पे आता है फू। दोस्तों अगर देखा जाए तो फू पूरी तरीके से डीमन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल बींग है जिसको कि दोस्तों तुवा और मीरा के सेल से बनाया गया था। यानी दोस्तों ये एक हाफ डीमन है। यहाँ पर दोस्तों ये एक एक्सपर्ट स्पॉनमैन है और साथ में लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करने में भी बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट है। इसके अलावा दोस्तों फू अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा सकता है। यहाँ पर दोस्तों फू का इतना एबिलिटी है कि वो टाइम रिफ्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके जरिए वो दूसरे टाइमलाइन से अपने टाइमलाइन में फाइटर ला सकता है, जैसे कि दोस्तों फ्यूचर 17 और 18। अगर हम ड्रैगन बॉल सनबर्स 2 में नोटिस करें तो फू का इतना एबिलिटी था कि वो गोकू और वेजिटा दोनों को ही उनकी बेस फॉर्म में हरा दिया था। इसके साथ साथ दोस्तों फू का इतना एबिलिटी है कि वो हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर सकता है। लास्ट दोस्तों ये जितना ओल्डर होते जाएगा उतना ही दोस्तों इसका अलग अलग एबिलिटी अनलॉक होते जाएगा। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है हार्ट। दोस्तों इसको हमने देखा था सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट सागा में। यहाँ पर दोस्तों हार्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका गोल यानी लक्ष्य जीनो को डिस्ट्रॉय करना होता है। हार्ट कोर वॉरियर्स का लीडर है। इसका एनिमी में जैसा ही अपीयरेंस हुआ था, ये फटक से अपने ग्रेविटी बस्टर के जरिए सुपर सैन वेजिटा, फ्यूचर ट्रंक्स, हिट, कॉलीफ्ला, केल और काबा को मार गिराया था। इससे अब इसका स्ट्रॉन्गर होने का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हार्ट पास के एक प्लैनेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इतना पावरफुल है कि ये जीरन को भी नियंत्रित किया था क्योंकि उसका बैटल कंबर से रुक सके। इसके साथ साथ ये इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये सुपर सैन ब्लू गोकू, सुपर सैन फ्यूचर ट्रंक्स और सुपर सैन ब्लू इवर वेजिटा को भी अपने ग्रेविटी बस्टर के जरिए नियंत्रित कर सकता है। लास्ट दोस्तों ये अपने सुपर हार्ट यानी गॉड स्लेयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए, जिसमें दोस्तों ये इतना स्ट्रॉन्गर हो जाता है कि कहना क्या। इसका एक्चुअल पावर को जानने के लिए आपको सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज़ तो देखना ही पड़ेगा। और दोस्तों हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कैरेक्टर नंबर 1 पोजीशन को डेफिनेटली डिजर्व करता है। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।